हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं काजल के बारे में। अरे ये नहीं, काजल नहीं, एमडी काजल 786 के बारे में। हाँ ये काजल। अब बात आता है काजल कौन है, मतलब काजल मतलब एमडी काजल 786 कौन है। तो वो एक टिकटॉकर है, प्रोफेशनल टिकटॉकर। हगरी गैंग, हगरी गैंग। जब देखा भारत में बहुत गंदगी बढ़ गई है, इसलिए स्वच्छ भारत के वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया और ये सब लोटा लेके हाँकने के लिए आ गए इंस्टाग्राम रील्स पे। सिद्धू तू इधर जा, डंडिया तू इधर जा, मैं आगे जाता हूँ। ये सही जगह है। अबे साले। तो गाइस अभी एमडी काजल इंस्टाग्राम रील्स पे आके हकते हैं। यहाँ पे उनका फॉलोअर्स 1,70,000 उसका फॉलोअर्स है, समझ लो 2,00,000 के करीब। और कंटेंट देखो इसका कंटेंट। अरे भाई रुक 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 रुक, छाती पे लग जाएगा छाती। चलो मैं तुझे झंडू बांध दे देता हूँ एटलीस्ट। किसने धोखा दिया आपको डोरेमोन ने? जीवन तो तेरे बिना जिंदगी गुजर के फूल तुम्हारे से भरे, कौन आसमान भाड़ में जाए, सच्ची भाड़ में जाए। एक चीज नोटिस किया भाग्य कथन ऐसा क्यों था? Well, इस चीज को समझने के लिए हमें 15-20 साल आगे जाना पड़ेगा, जब काजल एक छोटा बच्चा था। ये देख रही हैं आप, ये सफेद सा दाग, इसे ग्लाउसिस कहते हैं, जो दिमाग पर चोट लगने की वजह से होता है। यही कारण है कि उसकी मेंटल ग्रोथ नॉर्मल नहीं है। वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2.5 साल के बच्चे जितना है। I'm afraid, जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। तो गाइस काजल का एक इंटरव्यू देख लेते हैं, जहाँ पे वो स्ट्रगल और फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया है। देखने 3 मिलियन टिकटॉक फैमिली हो गई थी हमें। तो काजल ने टिकटॉक पे 3 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट किए थे और कंटेंट देखो क्या है कंटेंट। बंद करो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर। फ्यूचर प्लान की আছে? ফিউচার প্ল্যান সেভাবে বলা গেলে অবশ্যই অভিনেতা, যেহেতু অভিনয়টা এখন বেছে নিয়েছি। আমি অভিনেতা হব। হোয়াট? বন্ধ করো। অভিনেতা মানে অ্যাক্টিং, ये অ্যাক্টিং। क्या सोचा था, क्या हो गया, वो मिला था फिर जुदा हो गया। तो गाइस ये अगर थोड़ा सा घर हो गया ना, मुंह हिला के मतलब लिप सिंक करके खुद को एक्टर के जैसे रूप में देख सकता है, तो मेरा भी लिप सिंक देख लिया आपने, उससे बेटर ही था। समझ लो मैं पहली बार कर रहा हूँ। নিয়ে মজাক হয়ে এক সেকেন্ড ইয়ার মজাক। আপনি যদি বলিউড বা টলিউডে কোথাও যদি চান্স পান, তাহলে আপনি কোন অভিনেত্রীর সাথে কাজ করতে চাইবেন? অবশ্যই টলিউডে পেলে আমার ফেভারিট কৌশানে, আর যদি বলিউড বলেই দিই অবশ্যই দীপিকা পাদুকোন। भाई तू एक्टिंग करने से पहले मैं तुझे ये बता देता हूँ, कैमरा का फ्रंट जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे नहीं, उसमें बैकग्राउंड डांसर भी आता है। तू तो अकेला ही पूरा बैकग्राउंड तो छोड़ ही दे, तू अकेला तो कैमरा के अंदर मुंह घुसा रहता है, तो दीपिका पादुकोण और कौशल के तू कहाँ रखेगा बैकग्राउंड? पहले तू कैमरा को रोटेट करके वीडियोस बनाना सीख, उसके बाद तू एक्टिंग के बारे में सोचना, क्योंकि तू जब कैमरे के सामने आता है बैकग्राउंड तो छोड़ ही दे, कैमरा के अंदर ऐसे मुंह घुसाता है तो कैमरा बोलता है YouTube चैनल बड़ो বা কোনো ওয়েব সিরিজ থেকে ডাকা সে আমি অবশ্যই রাজিছি। মে তুজে একবার বার বাতাতা হুম কি ওয়েব সিরিজ মে অ্যাক্টিং করনে কে লিয়ে না এ হিরোইন্স ভি এ ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়েব তোড়ফোড় হোগা, বহুত কুছ সিন হোগা যে
वीडियोस को ऐसे शूट करते हैं, तू तो कैमरा के अंदर घुस जाता है, इसलिए मैं बताता हूँ तू कैमरे से थोड़ा दूर होकर वीडियोस बनाना सीख, और वीडियोस में सब कुछ बैकग्राउंड और भी जितने भी चीजें आती है आसपास के वो सब कुछ लेके एक्टिंग कर और फॉलोअर्स बढ़ा। तो गाइस वीडियोस कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना, और काजल के ऊपर एक और रोस्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को 100 लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं एक और काजल के ऊपर रोस्ट वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए